कुछ बोलने को तैयार ये सब मनमाना बिल लगाओगे क्या है? ढाई लीटर किस चीज का ले रहे हैं आप? उसके अंदर आपका आराम होगा, डॉक्टर का विजिट, नर्स का विजिट सब रहेगा। आप ऑक्सीजन का भी बिल लगा दो, ऑक्सीजन का रिफिल 200 रुपए आता है। शर्म करो, पीपी कितना ज्यादा जा रहा है, 175, 250, 60, 90, ये सब का जो भी है ना आपका पैमाना, उसके अंदर मिल रहा है। मैं आपको एमआरपी के बोल रहा हूँ तो 500 रुपए हाइएस्ट होता है, 5 चैन में डिवाइड करके 3000 रुपए होता है 8 घंटे की शिफ्ट का, उसको 3 में भी कर रहे तो 9000 के ऊपर आपका बिल नहीं जा रहा पीपी किट का, वो भी 40 एम में डिवाइड होना चाहिए, उसका मिनिमम 100-150 रुपए होता है। आप कैसे अकेले इनके पेशेंट को देख रहे थे क्या? उसके अंदर जो 20-30-40 है लो ना रेशियो में बांटो ना। आप 2500 किस चीज का प्रिकॉशन लग रहे? अरे डॉक्टर साहब, भगवान का दर्जा रहता है आपको, अब तो शर्म करो, शर्म करोगे? मैं आपसे बात कर, क्या कर रहे हो? बुला कौन है इधर? मैं लाइसेंस रद्द कराने को ना जेल भेजवाऊंगा आप लोग को, इतना समझ लो मेरा मेरे से पारा पड़ा है। अभी आपने बाहर की मलाई का जेल का भत्ते खाने को कम नहीं करेगा तुमको, शर्म लाज है? 32C का डिक्लेरेशन दो मेरे को, कौन कौन से ऑफिशियली नर्स यहाँ पे अपॉइंट हुए बताओ, कौन कौन से डॉक्टर अपॉइंट हुए बताओ, बाहर से क्यों लाना पड़ा ये बताओ मेरे को, सारे रीजन दो। मजाक करने के लिए कहा तुमने, आयुष्मान में धंधा देख रहे हो तुम लोग? इस लाख रुपए आपसे पीपीए के नाम पे, प्रिकॉशन के नाम पे मांग रहे, शर्मनाक है कुछ? ये सब बेच के खा गया क्या? मुझे बताइए मेरे को, आपने क्या बोलता, आपने डिक्लेरेशन 32C के अंतर्गत आपने मांगा रहेगा महानगर पालिका से परमिशन, मांगा कि नहीं मांगा? सिर्फ बेड पे चलो मैं बैठ रहा, आज मेरे को बैठ देंगे क्या? मेरे को कुछ तकलीफ रहेगी तभी आप मेरे को बैठे अलॉट करते, बराबर है कि मेरे को सिर्फ सोने के लिए पैसा देना है? उसके अंदर आपका आराम रहेगा, आपका डॉक्टर का विजिट रहेगा, सब पैसे आपने अलग अलग मांगा है। शर्म ना जाए सब बेच के खा के, इसका जवाब दो मेरे को। मांगने के बाद आपने क्या डिक्लेरेशन दिया कि भाई मेरा एक एमडी डॉक्टर रहेगा, उसके अंदर अंदर में एक आरओ में रहेगा, चाहे वो बीएमएस हो चाहे एमबीबीएस हो, वो दिए रहेंगे, 4-5 क्वालिफिकल नर्स रहेंगी आपके, 3 शिफ्ट में भी मैं बांटता हूँ तो आपका कितना पैसा आ रहा है? आज भी रूपये करना, अरे पूरा देश विश्व प्रसाद है इसमें, अब तो शर्म करो, जो भाजी पी लो ना वो तुमको मना किया। आप 32C का मेरे को डिक्लेरेशन बताओ, आपकी क्वालिफाइड नर्स है क्या वहां पे? विदाउट क्वालिफिकेशन आप उसको अटेंड कर सकते हैं क्या? आपको पावर है क्या? अगर उसने मान लो आपने 4 का अपना अपॉइंटमेंट लिया है, अगर वो 2 आती है, 2 दूसरी रख ले तो भी आपको इंटीमेट कर देगा, आपके पास गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि नहीं है? फिर आप में और एक गुंडे में क्या फर्क रहेगा? ये बोलो मैं आप लोगों को सुनने के लिए बैठे? जिस नियम के अंतर्गत आप लोग मानते हो उस नियम को कहां फॉलो कर रहे हो ये तो बताओ। आप महानगर पालिका से तो परमिशन मांगते हैं 32C के अंतर्गत कि भाई मैं ये हॉस्पिटल चलाने के लिए सक्षम हूं, तो बाहर के डॉक्टर आपको क्यों बुलाने पड़ रहे हैं? किस लिए बुलाने पड़ रहे? क्या वजह हो सकती है? ये तो बताओ मेरे को, हर चीज का चार्ज शर्म राजे की सफेद दिया आरोप आरोप आप उसका इंटरमेंट नहीं आते, सिर्फ बेट के बेट के अंतर्गत नहीं आते कि बिल्कुल लड़ाई टाइट लिख के लिखे दो देंगे आप लिख के। हाँ 9000 आईसीयू का, हाँ आईसीयू का जनरल के लिए 2500 है, 5000 आईसीयू के लिए, 10000 रुपए वेंटी के लिए, क्लियर है? और उसके अंदर सारे चार्जेस आपके डॉक्टर के उसमें इंक्लूड है। आप 32C निकालिए ना सचिन। एक सिंपल है आपको पूछ रहा हूँ, एक पीपीई किट आता है कितने में? एक पीपीई किट अगर यहाँ पे ऑन द स्पॉट अगर 5 डॉक्टर ड्यूटी पे है तो 5 डॉक्टर अगर 5 पीपीई किट पहनेंगे वो सब पेशेंट के लिए वही यूज करेंगे कि हर एक पेशेंट के वक्त जाते वक्त चेंज करते हैं? तो आप उसका डिवाइड क्यों नहीं करते? हर एक पेशेंट से अगर 2500 रुपए ले रहे, आज एग्जांपल अगर आपके पास 40 पेशेंट है तो 1,00,000 रुपए यही हो जाते हैं। आज अगर आप 1,00,000 रुपए का अगर सिर्फ पीपीई किट अगर दे रहे, दिन में खर्चा हो रहा है आपका 1,00,000 रुपए का पीपीई किट का? 9000 के ऊपर लिमिट रखो ना, ले ऐसे नहीं बोले कि नहीं, लेकिन एक लिमिट लिमिट तो रखो, आप पूरा लिमिट तोड़ दे रहे सब। मॉनिटरिंग चार्जेस, वो किस चीज का चार्जेस है मॉनिटरिंग का? पेशेंट आईसीयू में देगा फिर, हाँ तो उसी में आएगा ना, आईसीयू का चार्ज लगाओगे ना, चार्जेस अलग लगाए तो उसका अगर मॉनिटर नहीं आता लिख के दे तो मेरे को मॉनिटर भी आता अलग से, डॉक्टर अपन वही लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते कैसे लाएंगे तुम लोग? मेरा पालन, मैं अभी धरने पे बैठ जाऊंगा,
आज एक पेशेंट का जो एक्चुअल बिल है आप दीजिए, अन्यथा तकलीफ आ जाएगा। मैं आप भी पूरा मीडिया टेबल है, आपको तकलीफ हो जाएगी बाद में। मैं जो फॉर्म में है उसके हिसाब से लगा के दीजिए और डिवाइड कीजिए। रुक रहे पीपी किट का कैसा करना है, हमारे एक अकेले पेशेंट के लिए आपने पीपी किट वापरा नहीं है तो उसमें डिवाइड होना चाहिए। अगर आप मनमानी पे है तो मैं अभी बाहर अंदर पे बैठ रहा हूँ।